सफला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, पोष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा उसकी क्या विधि है और उसके करने से क्या फल मिलता है, यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, जिन्हें आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मेरे अनुसार अधिक दानी पुरुष के अतिरिक्त मैं एकादशी व्रत करने वालों से अधिक प्रसन्न रहता हूँ। इस व्रत को भक्ति पूर्वक विधि सहित करना चाहिए। हे पांडु पुत्र, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस दिन श्री नारायण जी की विधि विधान से नारियल, नींबू, अबीर, गुलाल, सुपारी आदि अर्पण कर धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से 16 प्रकार से पूजा करके रात्रि जागरण करते हुए तथा कीर्तन श्रवण करते हुए दीप दान कर व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ जी श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। 5000 वर्षों तक तपस्या करने पर जो फल मिलता है, वही पुण्य भक्ति भावना से जागरण कर सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। एकादशी कथा। चंपावती नगरी में महिष्मान नामक राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था, जो महापापी और दुराचारी था। उसका काम जुआ खेलना, स्त्रियों से व्याभिचार करना, पर स्त्री गमन करना, ब्राह्मण और देवताओं की निंदा करना, वैश्याओं के साथ रहना था। जब राजा महिष्मान को अपने पुत्र की ऐसी आदतों के विषय में पता चला तो उन्होंने उसे देश निकाला दे दिया। लुम्पक ने अपने पिता के द्वारा देश निकाला दिया जाने के बाद विचार किया कि अब वह किस तरह से अपना पालन पोषण करेगा। इस चिंता में फंसकर वह अपने ही पिता की नगरी में चोरी करके वन में रहने लगा। रात्रि में चुपचाप नगर में आकर चोरी करता और प्रजाजनों को मार डालता और अत्याचार करके अपने ही पिता की नगरी का नाश करता। राजा के भय से पहरेदार लुम्पक को पकड़ने के बाद भी छोड़ देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था, उसी वन में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लुम्पक पीपल के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर अनेक प्रकार के कुकर्म करता हुआ रहने लगा। वह वन भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय था। नगरवासी भी यह बात जानते थे। नगर के सभी लोग उसको देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। नगरवासियों को जब यह पता चला कि उनका होने वाला राजा ही उन पर अत्याचार कर रहा है, तो वे बहुत दुखी हुए। हे राजन, जब पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का उत्तम दिन आया तो अत्यंत ठंड के कारण दशमी की रात को वह पल भर भी सो न सका और वह भूख प्यास से अचेत पड़ा रहा। एकादशी की दोपहर को उसे कुछ होश आया, पर शक्ति ही होने के कारण वह जीवों का शिकार नहीं कर सका और गिरता पड़ता जमीन पर पड़े फलों को इकट्ठा करके पीपल के पेड़ के नीचे ले आया। उस समय सूर्य अस्त हो चुका था। हे राजन, उस दिन उसे इतना कष्ट हो रहा था कि अपने पिता के राज्य सुख की याद कर आंसू बहाते हुए भगवान को याद करने लगा और कहने लगा, जगदीश्वर, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे कष्टों को दूर करने की कोशिश कीजिए। मैं सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं ना तो किसी प्राणी को कष्ट दूंगा, ना ही चोरी, हिंसा, मद्यपान, गुरुजनों की और ब्राह्मणों की निंदा आदि कोई पाप कर्म स्वप्न में भी नहीं करूँगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करने की कृपा कीजिए। इस तरह पापी लुम्पक का अज्ञानता में हुआ उपवास भगवान से पूरी रात्रि प्रार्थना व जागरण से उसका सफला एकादशी का व्रत हो गया, जिसके कारण दीनदयाल प्रभु श्री हरि ने उसके पापों को नष्ट करते हुए उसके पिता को स्वप्न में दर्शन देकर अपने पुत्र को वापस बुलाने का आदेश दिया। उसके पिताजी ने तुरंत एक शीघ्रगामी घोड़े को एक सवार के साथ अपने पुत्र लुम्पक के पास पहुँचा दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, सफला एकादशी व्रत करने के कारण श्री हरि नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। घुड़सवार ने उसे उठाकर जलपान कराया, नवीन वस्त्र धारण कराए और अपने साथ चंपावती नगरी में ले आया। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसके अपराधों को क्षमा करके अपना राज्य उसे सौंप दिया और श्री हरि विष्णु की भक्ति करने वन में चले गए। उसके पश्चात लुम्पक ने बहुत दिनों तक धर्म पूर्वक राज्य किया। उसने अपने राज्य में एकादशी व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भगवान श्री हरि हरि विष्णु के परम भक्त हो गए और अंत में लुम्पक व्रत होने पर अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर ईश्वर की उपासना के लिए वन में चला गया और मरने पर वैकुंठ को प्राप्त हुआ।
हे राजन, इस प्रकार अशुभ कर्मों का परित्याग करते हुए जो स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत करेगा, वह समस्त सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में मोक्ष का अधिकारी बनेगा। जो मनुष्य नियम पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ पोष मास की कृष्ण पक्ष वाली सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। अतः इसके करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन तिल और गुड़ का सागार करते हैं। भगवान श्री विष्णु सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राधे।